हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल माही टीचिंग आज हम करेंगे type of fractions. आज हम इस वीडियो में प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन डेसीमल फ्रैक्शन एंड इरिड्यूजल फ्रैक्शन समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन इज देन डिनोमिनेटर मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल टू बाय फाइव टू न्यूमरेटर है फाइव डिनोमिनेटर है मीन्स सबसे ऊपर जो नंबर हो, होगा वो न्यूमरेटर होगा जो सब नीचे होगा वो डिनोमिनेटर होगा टू स्मॉलर न्यूमिनेटर है एंड फाइव लार्जर डिनोमिनेटर है थ्री बाय सिक्स एट बाय नाइन फाइव बाई स बाय हंड्रेड थ्री बाय सिक्स थ्री छोटा है सिक्स से एट बाई नाइन एट छोटा है नाइन से फाइव बाई स बाई हंड्रेड सिक्सटीन छोटा है हंड्रेड से मीन प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमरेटर छोटे होंगे डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर क्या होगा बड़ा होगा और न्यूमरेटर क्या होगा छोटा होगा सिक्सटीन बाय हंड्रेड ये डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हंड्रेड है बट ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है ओके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज़ अ फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा फॉर एग्जाम्पल नाइन बाय फाइव नाइन लार्जेस्ट न्यूमरेटर फाइव स्मॉलर डिनोमिनेटर इम प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा नाइन बाय सिक्स फाइव बाय थ्री सिक्सटीन बाई फिफ्टीन सिक्सटीन बाय टेन नाइन सिक्स से बड़ा है मीन्स न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से फाइव थ्री से बड़ा है सिक्सटीन फिफ्टीन से बड़ा है सिक्सटीन टेन से बड़ा है जहां पर न्यूमरेटर सबसे बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा उस नंबर को हम फ्रैक्शंस 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 बोलेंगे नेक्स्ट इज अ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड द होल नंबर मीन्स मिक्स फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं जो होल नंबर और फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन होते हैं मीन्स वन टू बा वन क्या है होल नंबर है टू बाई थ्री क्या है फ्रैक्शन है इन को मिला के जो कॉम्बिनेशन बना है मीन जो नंबर बना है वो क्या है मिक्स फ्रैक्शन है ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है मीन्स होल नंबर और फ्रैक्शन को मिला के जो नंबर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन बोलते हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट्स फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय सेम नंबर टू गेट इट्स इक्विवेलेंट एंड फ्रैक्शन मीन अगर हमारे पास एक नंबर है वन बाई टू इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से अगर न्यूमरेटर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डिनोमिनेटर को भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा टू बाय फोर इस जब दिए हुए फ्रैक्शन में जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं जो हमें आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस डेट द सेम डिनोमिनेटर मेन्स लाइक फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं न्यूमरेटर कोई भी नंबर हो सकता है बट डिनोमिनेटर सेम होंगे वन बाय थ्री टू बाय थ्री फोर बाय थ्री मीन्स वन बाय थ्री टू बाय थ्री फोर बाय थ्री ये क्या है लाइक फ्रैक्शंस हैं नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस मीन्स अनलाइक फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर चेंज होते हैं अलग होते हैं मीन्स टू बाय थ्री फोर बाय फाइव सिक्स बाय थ्री टू बाय थ्री फोर बाय फाइव सिक्स बाय थ्री ये अनलाइक फ्रैक्शन है मीन्स इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है नेक्स्ट डेसीमल डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होगा थ्री बाय टेन टू बाय हंड्रेड फिफ्टी सिक्स बाय थाउजेंड ड्रेड ट्वेंटी बाय टेन थाउजेंड मीन्स डिनोमिनेटर में टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड होगा ये ऐसे फ्रैक्शंस क्या होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं नेक्स्ट इ फ्रैक्शंस फ्रैक्शन अब फ्रैक्शन इज नो लॉन्गर रिड्यूसिबल वैन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स फॉर एग्जाम्पल फाइव बाय सेवन ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा मीन्स ये अपने ही नंबर से डिवाइड होगा मीन्स अपने ही नंबर से ये इसलिए इनका जो कॉमन फैक्टर है वो वन है इ फ्रैक्शंस फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिनका कॉमन डिवाइजर वन हो रिड्यूजल फ्रैक्शन अ रैशनल ऑफ टू इंटीजर्स हैव अ कॉमन डिवाइजर रिड्यूजल का कॉमन डिवाइजर होगा वन बट रिड्यूजबल का कॉमन डिवाइज़र हमारे पास टू बाय सिक्स टू वन जे टू टू थ्री जे सिक्स मीन्स वन बाय थ्री मीन्स इनका कॉमन डिवाइज़र हमारे पास कोई एक नंबर होगा जो डिवाइड होगा किसी दूसरे नंबर से इसे हम बोलेंगे ए रिड्यूजबल फ्रैक्शन जो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा ओके आई होप आपको टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा थैंक यू